देखा जानकी, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस कर कमली, मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिला। जानकी वो बहुत देर हो गई है, अब तुझे जाना चाहिए। आंटी, आपको यही लग रहा होगा ना, ये सब कुछ मेरी चाल थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। आपकी तरह मैं भी एक माँ हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ कि जिस तरह से मुझे साक्षी की फिक्र होती है, वैसी आपको रौनक सर की होती है। पर माँ की ममता तो एक है ना। जानकी आंटी, रौनक सर ने जो मेरे और साक्षी के लिए किया है, वह एहसान शायद मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। इतनी कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी वजह से आपको और रौनक सर को कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। अरे वाह काजल, कितनी अच्छी पॉलिटिक्स कर लेती हो तुम। कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने वाली? कहोगी आंटी अपना वोट मुझे ही देना। तुम्हें वोट नहीं पर तुम्हें दांत जरूर दूंगी, तुम्हारे हौसले की, तुम्हारी इस चाल की। मैंने तो ममता में आकर अपने बेटे से तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहा, पर तुमने मुझे हराने के लिए उसे अपना मकसद, अपनी जिद बना ली। रौनक से जोक की तरह चिपके जा रही हो। साक्षी की तबीयत खराब हो गई तो रौनक, वो ठीक हो गई तो रौनक, कोई मदद चाहिए तो रौनक, रौनक रौनक रौनक। तुम्हें अंदाजा भी है काजल, तुम्हारी इज्जत की वजह से मुनमुन और रौनक का रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है काजल, ऐसे तो लगता है जुबान पर साबुन लगा के बैठी रहती है, बात बात पर फिसलती है। तो फिर आज इतनी चुप क्यों हो तुम? चुप हूँ क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो भी आप मेरा भरोसा नहीं करेंगी। मैं यहाँ सिर्फ साक्षी की जिंदगी के लिए आई हूँ, किसी को भरोसा दिलाने नहीं। साक्षी बेटा, आज जो आपने किया ना, वो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप जानते हो ना, आपके बिना आपकी मम्मा आपके लिए कितना परेशान हो जाती है, और आज सब लोग परेशान हो गए थे, आपके पापा भी टेंशन में आ गए थे। ठीक है मम्मा, मैं नहीं करूंगी, पर मम्मा ये भी तो हमारी फैमिली है ना। हाँ फैमिली है, पर अभी हम लोग यहाँ सबको अच्छी तरह जानते नहीं है ना। एक बार हम लोग घुल मिल जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अब मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, बट यू डोंट गो एनीवेयर। ओके ओके मम्मा। सॉरी सर। साक्षी की दवाइयां सर। साक्षी बेटा ये लो दूध। ये साक्षी कहां चली गई? कहीं फिर से ये कौन सी कहानी सुना? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या बैटमैन? नहीं पापा, वो तो मैं सुन चुकी हूँ, कोई और सुना ना। अच्छा हुआ काजल तुम आ गई, अब तुम ही बताओ
कौन सी कहानी सुनाऊं साक्षी को? समझ में नहीं आता कि मैडम जी को कौन सी कहानी पसंद है, किंग की या क्वीन की। ओहो पापा, वो तो सब पुराने जमाने की स्टोरीज है, कोई और सुनाओ ना, आपको कुछ नया नहीं आता क्या? अच्छा, मैं पुराने जमाने का हूँ? सुना अपनी बेटी क्या कह रही है? इनके हिसाब से तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। साक्षी, पहले साक्षी दूध फिनिश करेगी, फिर मैं उसको नई कहानी सुनाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे पापा को ना सिर्फ बातें बनाना आता है, कहानी सुनाना नहीं। ओके मम्मा, अब मुझे कहानी नहीं स्टोरी सुननी है। पापा आप ही यहीं सोओगे ना हमारे साथ? बेटा पापा को अभी बहुत सारे काम है ना, उन्हें यहाँ काम करने दो, हम अपने कमरे में चलकर सोते हैं। के? नहीं मम्मा, मैं यहीं सोऊंगी पापा के पास। साक्षी सो के काजल, इसे यहीं सोने दो। बेटा आप लोरी सुनो, मैं दो मिनट में आता हूँ। रुको ना पापा, मम्मा लोरी सुना रही है। अब तक उन्होंने अपनी चलाई है, लेकिन अब मेरी बारी है। होली आने वाली, रंगों का त्योहार, लोग चेहरों पे रंग लगाते हैं, लेकिन मैं उन सब के चेहरों के रंग उड़ाऊंगी। इस होली के बाद जानकी आंटी और काजल दोनों हीरोइनों के लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएंगी। उन दोनों को इतना दूर कर दूंगी कि रौनक के पास मेरे करीब आने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये होली मैं अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भरूंगी, ये वादा रहा मेरा आपसे मॉम। रौनक घर आ गया होगा, उसे पता है कि ये मेरे उठने का टाइम है और मैं मेरी दिन की शुरुआत उसे देखे बिना नहीं करती, जाके उसे देख कर आती। हाँ।
जानकी आंटी और रौनक सर सुबह सुबह सबसे पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। मुझे वहां जाकर साक्षी को लेकर आना होगा, वरना कहीं आज उनका ये नियम टूट ना जाए। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। आज मेरा भरोसा मेरे बेटे पर और भी गहरा हो गया। तूने मुझे यकीन दिलाया है रौनक, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। एक मिनट काजल, साक्षी को सुबह सुबह कहाँ ले जा रही हो? वो तो अभी भी सो रही है। आंटी, वो साक्षी की आंखों पर ना धूप पड़ रही थी, मुझे लगा वो कहीं नींद से ना जाग जाए, इसलिए मैं उसे दूसरे कमरे में सुलाने जा रही थी। जरा सी धूप तुम्हारी बेटी के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खराब होने का डर तुम्हें सताने लगा। सोचो काजल, मेरा क्या हाल होता होगा जो तुम जैसी ग्रहण मेरे बेटे की जिंदगी में आ लगी है। वैसे काजल, अगर तुम्हें धूप से दिक्कत है तो तुम्हें धूल और मिट्टी से भी होगी। अच्छा होगा कि आज पूरा दिन तुम और साक्षी कमरे में ही रहो, क्योंकि आज होली है, बाहर बहुत गुलाल उड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे मेहमानों को कोई दिक्कत हो। अब भले ही वो मेहमान बिन बुलाए या अनचाहे क्यों ना हो, पर मेहमान तो मेहमान ही होते हैं ना। जी आंटी।
इस बार तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन आगे से और केयरफुल होना पड़ेगा। I'm sorry, रौनक सर, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, पर It's okay. साक्षी की दवाइयां मेरे कमरे में रह गई थी। सर, आपने मुझे उस दिन के लिए माफ नहीं किया ना? मैं अपनी राय किसी पे थोपता नहीं हूं काजल, और ना ही अपनों की बात को काटने में यकीन रखता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, मेरे लिए रिश्तों की मायने बहुत ज्यादा रखती है। आज तक तुमने साक्षी के लिए जो कुछ भी किया, ये छोटी शादी, बिना मर्जी के यहां रहना, जितने भी सैक्रिफाइसेस किए उसके लिए, जब मैं वो सब देखता हूं ना, तो मुझे वो सारे सैक्रिफाइसेस याद आते हैं जो मेरी मां ने मेरे लिए किए। इसलिए तुम्हें माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है काजल। जब भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए सोचता भी हूं ना, तो तुम्हारे वो सारे इल्जाम, मेरी मां का मेरे लिए प्यार, उनके सारे सैक्रिफाइसेस मेरी आंखों के सामने आ जाते। और जब मैं उन दोनों को तोलता हूं, तो हमेशा मेरी मां का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।